सब तो पहला तो जी सारे वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। तुहानू बड़े शॉर्ट टाइम के उत्ते थोड़े जिहा तुहाडे नाल विचारां सांझे करन वास्ते मैं कष्ट दिता, तुसीं सारे आए हो जी, आयां नूं मेहरबानी, धन्नवाद जी। हुणे हुणे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण हो के हटी है, जिहड़ी कि प्रधान अते अहुदेदारां दी चोण सी, क्योंकि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी साडी ओह संस्था है जिहनूं दुनिया विच असीं सिख पार्लीमेंट करके भी सतिकार दिंदे हां। ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का इतिहास जिहड़ा है वह बड़ा लहू भिज्जा इतिहास है, बड़ा महान इतिहास है, और दुनिया भर दीआं नज़रां जिहड़ीआं उस संस्था ते लगियां हुंदीआं। लंबे समय तो तकरीबन 104 साल का समा हो गया जदों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई। उहदे नाल ही एक महीने बाद श्रोमणी अकाली दल बनिया श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते। उहदा कोई परपज़ सी, उहदा कोई मंतव सी, श्रोमणी अकाली दल क्यों बनाया सी? उहदा मकसद सी कि मसंदा कोलों गुरद्वारे आज़ाद कराए, गुरधाम आज़ाद इस लिए कराए सी कि गुरमत दी जिहड़ा प्रचार प्रसार किया जा सके, गुरु ग्रंथ साहिब दा फलसफा दुनिया च पहुँचाया जा सके, घर घर अंदर धर्मसाल होवै, कीर्तन सदा वसोआ, कहन तो भाव हर घर दे विच बाणी दा वासा होवे। ते श्रोमणी अकाली दल एक सियासी तौर दे उत्ते जथेबंदी बनाई सी कि वह उसकी सुरक्षा करे, एक वार्ड बन के काम करे। ये उन्हां दी मदद वास्ते उन्होंने जिहड़ा धर्म का प्रचार प्रसार करना हुंदा है वह उन्हां दे नाल बांह नाल बांह बन के खलोण। अज जिहड़ा साडा वर्ताव चल रहा है लंबे समय तो, क्योंकि असी इस गल दे उत्ते माण करते हैं कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसी संस्था है, धार्मिक संस्था, जिहदी चोण जिहड़ी है वो भारत सरकार दे इलैक्शन कमीशन द्वारा कराई जाती है। दुख की गल यह है कि तकरीबन 13 साल हो गए, 14 साल, क्योंकि ये जो चोण हुई है 11 दे विच, अज 13 साल हो गए। ये चोण 13 साल ना होण करके साडा उत्थे बहुत वड्डा नुकसान हो रहा संस्था का। पहला 5 साल बाद ही चोण हुंदी सी, जदों जे देश नहीं सी डिवाइड होया, वड्डा पंजाब सी, पंजाब सरकार चोण कराउंदी सी। उस तो बाद जो डिवीज़न हुई है फिर पंजाब इत्थे जदों बनिया, वड्डा पंजाब ही सी, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ सारा विच पा के, उदों भी 66 तक 5 साल ही हुंदी रही, 5 साल बाद ही हुंदी रही। लेकिन ज्यों ही 1966 तो बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बन गया, हिमाचल बन गया, उस तो बाद कभी 18 साल बाद, कभी 11 साल बाद, कभी 13 साल बाद, तो ये चोण का सिस्टम जिहड़ा सारा खराब हो गया, जिहदे करके जिहड़े मैंबर लंबे समय तो चलते आते हैं उन्हां मैंबरां दे विच वो गल नहीं रह जाती जिहड़ी गल वास्ते असीं चोण करके भेजते हैं। पर लंबे समय तो महसूस किया जाता कि यह सिखां दी संस्था सी सारयां दी। सिख अज दुनिया भर च फैल गए हैं, तो नुमाइंदगी सिखां दी करन वास्ते इस संस्था नूं बिल्कुल उन्हां दी आवाज़ बन के तुरना पऊगा। तो अज नुकसान ये हो रहा कि जिहड़ी साडी संस्था बनाई सी सियासी, वो बनाई तो असी वार्ड बन के काम करन लई, लेकिन उस संस्था उस सियासी पार्टी ने इहदे उत्ते गलबा इन्ना कु बना लिया कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं वरत के उह समझ दिया कि असी सियासत जिहड़ी तकड़ी करनी, जिहड़ा सिखां दे विच वी ते आम लोकां दे विच वी रोह भी आंदा है। और मैं भी लंबे समय तो कहिंदी आ रही हाँ कि महसूस हुंदा सानूं कि सियासत जिहड़ी उह भारी हो गई उत्ते, ते धर्म जिहड़ी धार्मिक संस्था वो थोड़ी जी नुकसान विच आ रही है। उस सिधांतिक तौर ते लड़ाई लड़न वास्ते मैं काफ़ी लंबे समय तो जदोजहद कीती है। अज मैनूं थोड़ा जिहा महसूस होया जदों इह चोण आई है इस वारी, इहदे च मैनूं थोड़ा जिहा महसूस होया कि मैनूं इस तरह लगता कि जिदा कितें मैं दोषी पाई गई होवां। दोषी पाई दे मतलब तुसीं समझो कि होर पासे ना गल जाइओ, कि मैं जिहड़ी गल कीती सी मेरा ते काम इह सीगा कहिणा कि इहनूं डेमोक्रेटिक वे दे नाल इहनूं खुद मुख्तियार अते आज़ाद हस्ती तौर दे उत्ते काम करना चाहिए। तो जिहड़ा प्रधान दी चोण है वह लिफाफे च उन्हां निकल के सगा लोकां दे सामने आना चाहिए, तां जो उस इलाके दे लोग अपने मैंबर नूं कह सकन कि तुसीं किहनूं वोट पाउणी है, उन्हें सुचेत कर सकन।
और जेड़े नाल दे साथी हुंदे है वो ये सारी प्रीख्या विचों नंघ सकन के कैंडीडेट जेड़ा केड़ा होना चाहिए। सगों उहदे च ये देखण च आया कि अज मैंबरां नूं इन्ना दबा के जां उहनां नूं इन्ना प्रैशराइज करके उहनां नूं फिर उस सियासी ताकत विच ही वरत्या गया, ना कि उहनां नूं आजाद ढंग दे नाल वोट पाउण दा अधिकार दिता गया। हुण सब तो वड्डी जिहड़ी माड़ी गल इत्थे आई कि सारा अकाली दल दा ते ला दिता एक श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी दी चोण दे उत्ते, जिहड़ी चोण अज 22 इलैक्शनस हो रही ने वो 22 इलैक्शन भी छड़ दित्तियां कादे वास्ते कि वख वख पार्टियां कोलों उन्हां दा सहयोग लैके केवल तो केवल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान की चोण जिहड़ी उह जित्ती जा सके। तुसीं पुछोगे किस तरह, और नरेटिव की सिरज्या गया कि बीबी जगीर कौर के पिछे सारिया सरकार ने इन्ना प्रचार गलत किया गया। तो मैं तुम्हें दसना चाहनी है इस गल का, सिर्फ एक मैं तुम्हें दसना ही सी कि मैं दर्जना मैंबर के नाम लै सकती हाँ जेडे कि वक् वक् पार्टियों संबंधित और उन्होंने वोट जी सी सुखबीर सिंह के बादल के कैंडीडेट हरजिंदर सिंह धामी पाई दर्जना। जिहड़ा माहौल उत्थे बनिया सी वो इन्ना सियासी माहौल बना दिता गया कि कभी असी सोचिया नहीं सीगा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के उस कंपलैक्स के इस तरह का हालात बन के उत्थे सीधा नज़र आए कि इत्थे सियासत भारू हुई है तो बाकी जिहड़ी धार्मिक जथेबंदी है वह थले दबाव विच है। श्रोमणी अकाली दल की सारी जथेबंदी, यूथ अकाली दल, जिहड़ी SOI उत्थे इस तरह का हालात बने सन कि जिदा पता नहीं किड्डी वड्डी सी जंग दे विच गए हुई है। दूजी गल, सारिया ही सियासी पार्टियां जे मैं गिनती करन लगा, कांग्रेस कंप्रोमाइज़ की सीगा कि तुहाडियां असीं चोणां च मदद करांगे तां ही बाइकाट कीता ना। कांग्रेस दे सीधे तौर ते दो मैंबर है साडे और दोनों मैंबर उत्थे पहुंचे होयां नूं वापस कांग्रेस ने कराए, वोट नहीं पाउण दित्ती। सरदार बलविंदर सिंह जी बैंस जिहड़े सी लुधियाने वाले वो चल पे गड्डी विच चल पे, उन्हां कहा सी आ गए हैं, टैलीफोन ते गल हुई। सुखजीत सिंह जी लोहगढ़ जिहड़े सन उत्थे मत्था टेकदे देखे गए, पर दोनों नूं वोट पाउण तो रोकिया किहने रोकिया होगा, उहदी पार्टी ने रोकिया होगा क्योंकि इन्हां ने उन्हां दा साथ लैणा सी। आम आदमी पार्टी दे जिहड़े जिन्ने भी सन उत्थे लीडरां दे बंदे एक एक ने वोट जिहड़ी सी उधरले पासे पाई, एक एक ने कल्ले कल्ले ने, और ये BJP की गल करते हैं, RSS की गल करते हैं, हैरानी की गल वेखो तुसीं, जिन्नियां आउट ऑफ स्टेट्स साढ़े सीगे मैंबर ऑलमोस्ट जे कह दिए तो 99% मैंबर ने वोट जिहड़ी सी उधर कास्ट की, क्योंकि बाहरलियां स्टेटां विच राज जिहड़ा BJP का ही ज़्यादा मोस्टली, एक अद्धे नूं छड्ड के मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं कल्ले कल्ले नूं तो कह नहीं सकती कि इन्हें पाई कि इन्हें नहीं पाई। पर हैरानी की गल वेखो कि दर्जना जिहड़े बंदे सन ईवन साढ़े लीडर जिहड़े सी उन्हां दियां पहलां जिहड़ियां सी इंटरव्यूज़ करवाईयां गईयां, तुहाडे चों भी किसी ने कीतियां होणगियां, प्रो पंजाब वाले ने की, प्राइम एशिया ने की, साढ़े सरदार सिकंदर सिंह जी मलूका साहब ने 3 मीटिंग्स कीतियां, इंटरव्यूज़ कीतियां, और उन्हां दे विच उन्हां ने बार बार एक गल कही बार बार कि जी सुखबीर सिंह बादल तो बिना CM जिहड़ा बन नहीं सकता, पार्टी चला ही नहीं सकता, सानू कट्ठिया ही होना पैना और अलायंस BJP नाल ही करना पैना। ये क्यों बार बार पाया जा रहा सी, क्योंकि मैंबर जिहड़े सी इधरले पासे गए वो प्रैशराइज हो जाण कि किसे ढंग देण भी ये तो कट्ठे हो जाने तो असीं किदां फिर जाइए उत्थे। ये गल्लां दा इन्ना कु असर होया कि मैंबर जिहड़े सी दब्बे रहे और जिन्हां मैंबरां ने सानूं प्रोमिस किए सी, जिन्हां ने अंदर वड़ वड़ के भी किया कि सानूं बाहर ना करियो क्योंकि सानूं दबाउणगे, तो 55% मैंबर 55 मैंबर ऐसे है जिन्हां दे धियां पुत्तर उत्थे नौकरी करदे, जिहड़ा कि बिल्कुल गैर कानूनी भी है, बेनिज़मी भी है, भर्ती करा लैंदे आ, हो गए बहुत सारे मैनेजर लगे है, कोई कुछ लगे, उन्हां दा दबाव इन्ना सी कि मैंबरां नूं उत्थे उन्हां दी मदद करनी। सिर मैं इस करके करना चाह मैं तां तुहानूं बुलाया, जिहड़ा तुसीं वार वार सोशल मीडिया ते सुणदे सी भी जिन्ना ये बोल रहे सी कि बीबी दे पिछे ते सरकार पंजाब दी भी है,
बीबी के पिछे तो सरकार कौ दूजी भी है। जे वो सारिया सरकार मेरे नाल सी तो इन्हों वोटा कि चल गई, जे सरकार ही मेरे नाल सी तो फिर एजेंसीज मेरे नाल काम कर रही सी, कहिंदे जी उन्होंने बड़े लालच दिते जा रहे हैं, बड़े दबाव पाए जा रहे हैं, जो सारे मेरे नाल सी तो फिर इन वोटा चलिया कि गई। ये गल्लां जिहड़ियां सी इन्होंने लोगों के इन्ना गलत नैरेटिव सिरजिया कि फायदा तो आप लै रहे सी, चोणा तो आप बाइकट किया। हुण मैं कहना चाहनी हाँ कि सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने जे बाइकट किया, बाइकट 92 भी होया सी, अकाली दल ने किया सी, होया सी ना 92 ते वोट पई सी किसी एम एल ए 3,000, किसी 2,500, किसी 2,500, तो किसी साढ़े मेरे अपने इलाके का एम एल ए जो 2,216 वोटा नाल बनया सी, जिन्हें बाइकआउट किया। तो पंजाब गल बड़ी है तो फिर अकाली दल की वोट जे भुगते ना तो फिर वोट उन्होंने पैनी कितनी चाहिए, ता ना हुण वह कहे कि मेरा कोई वर्कर जरा कोई वोटर जरा साडा वो वोट ना पावे, असी बाइकआउट किया होया पंजाब के हालात करके कह लो ज क्यों किया ना बाइकआउट। अज भी सारे कोई कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, कोई बीजेपी की मदद कर रहे हैं, कोई आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं, तिने पार्टियां की मदद तो क्यों है, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने को मदद लेनी सी। सो हालात जोड़े इदा के बन चुके हैं कि श्रोमणी अकाली दल अज बड़ी खतरे च पई हुई पार्टी है, इन्होंने दाते लाता सारी ताकत जी श्रोमणी अकाली दल की सिर्फ इस करके दाते लाती कि श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी किस तरीके अपने कब्जे चली। सो मैं तो सिर्फ अज इन्नी गल ये करनी सी कि तुसी देखो भी किन्ना इन्होंने गलत जरा सी लोगों से इंप्रैशन दिता और उस संस्था नू किदां फिर कब्जे च करने की कोशिश की। किसी ढंग दे नाल जिहड़ी असीं खुद मुख्तियारी की गल करते हैं, श्री अकाल तख्त साहब जी की होंद बरकरार रहे वो गल करते हैं, इन्होंने सिर्फ इन्ना ही सीगा कि सुखबीर सिंह बादल नू असीं किस तरह बचाउणा किदां, साडा तो कोई कसूर नहीं जी, सुखबीर सिंह बादल नू कितें असीं नहीं फसाउण की कोशिश करते, ना असी कोई वो खिलाफ़ बोलते हैं, ना असी कोई निजी तौर के उत्ते शेर देखो इतों तक पहुँच गए हैं कि मेरे एक मेरी बेटी की ननान कनेडा च रहिंदी है, हालात किदां दे बना दिते है कि उन्होंने थ्रैट की चिट्ठी गई है कितों कि बीबी जगीर कौर चुप करा लो, नहीं तो तुहानू उन्नू ते उत्थे मारना औखा हो जूगा, तुहानू इत्थे मारना बड़ा सौखा, तुहानू बुलेट नाल उड़ाया जाएगा। सी हालात वेखो किदां दे बन रहे, जदों कि मेरा निजी तौर पर कोई दुश्मनी नहीं किसी ना, मैं हमेशा सिद्धांत की गल की है, मैं हमेशा मर्यादा की गल की है, हमेशा पंथ की गल की है, और मैं कोई चिंता भी नहीं क्योंकि मेरी निजी लड़ाई किसी ना नहीं, मेरी जो उत्थे भी संघर्ष है तो केवल पंथ लिए संघर्ष है, उतों के सिद्धांत लिए संघर्ष है, उतों की मर्यादा लिए संघर्ष है। मैं हमेशा जो गल करती हाँ तो मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के असूलों की गल करती हाँ या श्री अकाल तख्त साहब के असूलों की गल करती। सो योजे हालात बन रहे हैं कि श्री अकाल तख्त साहब ने हुण जे तनखाइया करार किया सरदार सुखबीर सिंह बादल नू, तां फिर क्यों किया जी, तीन गल्लां रखियां सी जदा श्री अकाल तख्त साहब ने कि एक तो खालसा पंथ का बहुत बड़ा नुकसान होया जदों ये डिप्टी सीएम सी प्रधान सी श्रोमणी अकाली दल दे, दूजा खालसा पंथ के अक्स नू बड़ी ढा वजी, तीजा कि श्रोमणी अकाली दल इन्हां नू तीलो तीला 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 कर दिता ता इन्हों तनखाइया करा दिता जाता है, मेरा तो कोई कसूर नहीं, ये पंथ की आवाज सी, ये पंथ की गल है। जे पंथ की गल नू भी असी ये सोचिए कि असी श्री अकाल तख्त साहब चुनौतियां देनिया ने, कभी किसी को गाला कढ़ाते हैं, कभी उत्थे थ्रैट कर जाते हैं, कभी कुछ कर जाते, तो असी कित्थे खड़े कित्थे हैं, श्रोमणी अकाली दल खड़ा कित्थे है, श्रोमणी अकाली दल दीआं रवायतां कित्थे ने। श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार जी ने जिहड़ा दिवाली का संदेश दिता है उस संदेश विच तुसी देखो उन्हें चिंता प्रगट की श्रोमणी अकाली दल की, उन्हें श्रोमणी अकाली दल तो लीहों लथिया किया, उन्हें कहा कि श्रोमणी अकाली दल नूं अपनियां लीहां ते आउण वास्ते बहुत चिंतन करना पएगा, बड़े सोच समझ के तुरना पएगा। सो मैं अज दी बेनती करदी हां सारी कौम नूं भी कि श्रोमणी अकाली दल तुहाडी जमात है, तुहाडी पार्टी है, सियासी पार्टी है, और आपां चाहुंदे भी है कि साडी जिहड़ी है खेतरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वह तकड़ी होवे, वह जिउंदी होवे, तां जो पंथ की आवाज़ बन के, कौम की आवाज़ बन के, पंजाब की आवाज़ बन के वह सेंटर नूं घूरे भी ते अपने काम भी करावे, सेंटर कोलों मदद भी लवे, सेंटर कोलों काम भी करावे, और सेंटर नूं दहशत विच भी रहे कि जे किते श्रोमणी अकाली दल ने किते कोई ऐसा स्टैप चुक लिया तो बहुत बड़ा नुकसान होने का डर होंदा। लेकिन अज डर के दा ना श्रोमणी अकाली दल का डर रह गया, ना श्रोमणी कमेटी के प्रधान का डर रह गया, ना श्री अकाल तख्त साहब जी के लोगों के कोई दहशत ना रहन दिती,
जे असी नहीं मन्नांगे तो मन्नेगा कौन? जे श्री अकाल तख्त साहब का हुक्म असी नहीं मन्नांगे, आदेश असी नहीं मन्नांगे, उहदा संदेश असी नहीं सुणांगे तो फिर मन्नेगा कौन? सो मैं अज सिर्फ तुहानूं इस करके बुलाया सी कि अज हालात साढ़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी विच किस तरह के बने हैं कि सियासत उत्ते भारी हो गई है। मैं ये पहला भी कहती आई हाँ कि सियासी तौर के उत्ते जब तक साडा गलबा नहीं लथना, साडी उह धार्मिक जथेबंदी जिहड़ी है सही ढंग दे विच सही दिशा विच काम नहीं कर सकेगी। सो अज सिर्फ मेरा इन्ना की मकसद सी। ते मैं ये भी कहना चाहनी है कि सानू बैठ के जिहड़ियां विचारधारा गुरु नानक साहब ने दित्ती सी कि सानू सारियां नू एक दूजे दे नाल बैठ के विचारां करनियां चाहीदियां, संवाद करना चाहिए, थ्रैट नहीं करना चाहिए, किसी नीवा नहीं दिखाना चाहिए, किसी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सानू सारे बैठ के सिर जोड़ के तो सानू सारे गल करनी चाहिए है कि असं कितने साढ़े कमी है तो कितने नहीं। श्री अकाल तख्त साहब जथेदार ने इस करके तुहाडे वर्गे विद्वानों को बुलाया, जर्नलिस्टों को बुलाया कि सानू भी विद्वान दसन कि असी की काम करिए आने वाला ता जो साडा श्रोमणी अकाली दल पैरों पर खड़ा हो सके, श्रोमणी अकाली दल तकड़ा हो सके, असी सारे जिहड़ी जिस मकसद लिए बनाया सी उस मकसद ते असी पहुँच सकी। उस साथ ते साडा हुण भी है, मैं नहीं कहिंदी, पर उन्हां दा देखो सिस्टम कि जिहड़े मैंबर उत्थे साडे सी उह मैंबर उत्थे खलो गए, क्योंकि भूंदड़ साहब लगातार उन्हां दे इन टच रहे, बादल साहब नाल उन्हां दी गलबात हुंदी रही और उन्होंने सानू साथ देन दा भरोसा भी दिता और सानू भरोसा भी सी। एन एक दिन पहला सारे जड़े मैंबर सन जिहड़ा कि वह उधरले पासे गायब हो गए। बीजेपी की एक एग्जाम्पल मैं दस दिनी है कि मनप्रीत सिंह बादल बीजेपी दे, नवतेज सिंह कौणी उन्हां दे बिल्कुल मैंबर है, उन्हें भी वोट उधर दिती। आम हरियाणे दे विच बीजेपी की सरकार है, ऑलमोस्ट सारे ही मैंबर जड़े सी उधरले पासे गए। दूजे स्टेटां विचों भी जिथे जिथे बीजेपी दी सरकारां ने, तीजा जिहड़ा इत्थे दर्जना मैंबर होर ने, मैं नाम लवां चंगा नहीं लगता क्योंकि कल्ले कल्ले दी मैं वोट देखणो रही, पर जिहड़ियां 33 मैनूं पईआं होणगीआं उहनां चों इह दस दिण किहड़ा बंदा जिहड़ा कि बीजेपी दा, आम आदमी पार्टी दा, साडे इत्थे अमृतसर दे सीगे जी सारे मैंबर इधर नूं पए, कांग्रेस दे मैंबर सारे जिहड़े ने उत्थों भेज दित्ते, बीजेपी दा जिन्ने संबंधित सी तारे तकरीबन, देखो टिकटां नहीं लईआं उन्होंने बीजेपी दीआं, मैं नहीं कहिंदी है सारे अकाली दल दे ही है, पर जिथे किसी की रली सी गल वो उथले पासे तुर गए। सो मैं ठीक है वोटर आजाद है, मैं नहीं कहती वो भावें बीजेपी नाल संबंध है जां कितें वोटर तो आजाद है, पर गल ये है कि दूजे नूं क्यों कहन, ये क्यों कहिंदे सी कि बीबी बीजेपी सपोर्ट कर रही है, बीबी दी आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है, अज क्यों फिर उन्हां दी वोटां पाईआं, अज क्यों उन्होंने पाईआं, फिर इहदा मतलब भी इन्हां दी सपोर्ट ते सी, इन्हां दा अलायंस सी उन्हां दा, और ये भी बार बार कहिंदे जी अलायंस ते करना ही पैना है। इट मीनस के जो साढ़े नाल कोई बंदा बैठा होगा उदों कहिंदे है जी ये बीजेपी नाल संबंधित है, और 23-24 साल आप बादल साहब ने सारा जिहड़ा सी बीजेपी दे नाल सरकारां भी हंडाईआं, मिनिस्टर भी रहे, साढ़े वर्गियां ने तो एक पैसे का काम नहीं कदी लिया, मेरी किसी ने सांझ ही नहीं, पर लोगों के विच इस तरह का माहौल बना देंगे है जिदा कि सारे मैंबर कित बीजेपी के हो। मेरा कहने तो सिर्फ ये भाव है कि फायदा तो उन्होंने लिया, तो बदनामी वास्ते प्रेस के इन्ना रौला पाया, लोगों के दिमाग चाहता कहीं सच्ची मुची कोई गल होंगी। सो मैं तो वह गल की जी देखो आम आदमी पार्टी दे एग्जाम्पल देव, पटियाले दे सी साडे कोहली साहब, उन्हां दा खास बंदा सी वोट पाई, अमृतसर चो इसे तरह उन्हें खास बंदे सी उन्हें वोटां पाईआं, बीजेपी साडा अपनी चोण लड़ रही है निर्मल सिंह कालू दा बेटा रवि कर निकालो, उन्हां दे मैंबर सी उत्थे सारे, उन्होंने उधर वोट पाई, सारे बंदे जिहड़े संबंधित सी वोटां सारियां इधर पईआं। मैं नहीं कहती वोटर आजाद है, मैं अज भी हूँ भी कहनी है कि वोटर आजाद है, वोटर अकाली दल चो जित के आए हैं, लेकिन जे कही कि प्रैशर जड़ा मैनू कहने की लोड़ सी इन्हों, फिर
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ RSS ਆ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ RSS ਆ ਗਈ, BJP ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਪਾ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਵੱਟੇ ਕਾਹਦੇ ਪਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, RSS, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੌਣ ਰਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਕੌਣ ਰਲਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਾ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 33-42 ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੌਣ ਅੱਜ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੌਣ ਅੱਜ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿੱਦਾਂ CM ਲਈ MLA ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ MP ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਲਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਖੋਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਅੱਜ ਮਤਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ 11-13 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ
अलाउ करना है। इन्हों के नेड़े होगा कहना चाहिए इन्हों, मेरे नेड़े कितों आ गए, मेरा उन्होंने की संबंध है जी दसो, ना मैं मिनिस्टर रही, ना मैं एम पी रही, ना मैं कभी गई, मेरे नेड़े कितों आ गया। यही तो गल है जी लोगों ने तुहाडे मन च इन्होंने पाई है बोल बोल के, ना मेरा कोई होम मिनिस्टर ना संबंध, ना किसी पीएम ना संबंध, ना मैं कोई जानती। मैं तो अज बेनती करती तुहाडे राही कि तुरंत जी है चोन जनरल इलेक्शन कराई जाए। नहीं दबा का देखो अपने पंथक हित थोड़ा अस वेच देने, सानू दबा कहन तो पाव पंजाब की अणख तो गैरते बना के रखनी पेगी, पंथ के मसले तो आप हल कराने कि नहीं कराने, जे उन्होंने संबंधित जोड़े मसले है उ हल करे, देश की सरकार के जोड़े मसले है देश की सरकार ही करेगी। जे बंदी सिखा की रिहाई की गल करते हैं तो देश की सरकार ने इनू हल करना, जे राजू आने की फांसी की गल कर रहे हैं भी माफ़ करके तो उम्र कैद की जाए तो कौन हल करेगा, उ करे ना। इस जब तक साडा सारी ताकत नहीं होएगी, जब तक साढ़े को हिम्मत नहीं होएगी तो असी किदा उन्होंने को करा लेंगे हल। जे असी पाटे रहे, जे असी इदा लीरो लीर होंगी रही, अकाली दल खत्म ही हो गया तो फिर साड़ी ताकत किदा बनेगी जी। हूँ तो तनखाई है ना, जो तो माफ़ होएगा फिर ही करा जी, तनखाई नाल असी की संवाद करिए। 15 मैंबर जिहड़े जी नॉमीनेट होंदे आ वो वख वख स्टेटा च होंदे आ, कुछ इत्थे दे भी हैगे ते वो नॉमीनेट किते जांदे आ। नहीं आम आदमी देखो पार्टी दे जित के कोई भी नहीं आए, वो अकाली दल दे ही है, लेकिन जिहड़े MLA बने हैं जां मिनिस्टर बने हैं उन्हां दे इलाकियां दे मैंबर जिहड़े आ कुदरती तौर ते उत्ते दे इंप्रैशन थल्ले रहिंदे आ। 5-10 तो होने की जी। हाँ जी नहीं नहीं मेरा कहने तो भाव कि जेडे MLA मिनिस्टर के नाल संबंधित इस वेले होंगे तो इन्ने कते होंगे ही है, पंजाब सरकार है अक्सर उन्होंने MLA है मिनिस्टर है उन्होंने नाल तो बंदे होंगे ही।